आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीनें इतनी स्मार्ट हो गई हैं कि वो आपके मूड को समझ सकती हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं या फिर गुस्से में हैं, आपके चेहरे के हाव भाव देखकर उन्हें ये सब पता चल जाता है। वैसे भी आपके लैपटॉप और स्मार्टफोन में तो फेशियल रिकग्निशन की तकनीक मौजूद है ही, ये बस उसका अगला कदम है। इसे कहते हैं इमोशनल डिकोडिंग। हर जगह विज्ञापन, वो भी बेहद पर्सनलाइज्ड और इमोशनल। ऐसी कहानी पर आधारित साइंस फिक्शन फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट अब पुरानी हो चुकी है। Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the... साइंस फिक्शन की कहानी अब हकीकत बन चुकी है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ग्राहकों की भावनाएं टटोलने के लिए इमोशनल डिकोडिंग का सहारा ले रही है। लंदन की एक कंपनी रिलायंस, कोका कोला या एडिडास के विज्ञापनों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करती है। रियलाइज सॉफ्टवेयर चेहरे के भावों में आने वाले बारीक बदलावों को रजिस्टर करता है और कंफ्यूजन और आनंद जैसे भावों को पकड़ता है। भावनाएं बहुत जटिल होती हैं और हम तो अब तक इन्हें अच्छी तरह समझ भी नहीं पाए हैं, लेकिन कंप्यूटर इस मामले में काफी बेहतर हो रहे हैं क्योंकि एक इंसान की तुलना में उनके बैकग्राउंड में बहुत इंटेलिजेंस होती है। मुझे लगता है कि गार्टनर ने कहा था कि 2025 तक एक औसत मशीन आपकी मनोदशा को आपके परिवार से बेहतर समझेगी। रियलाइज भी अपने ग्राहकों की भावनाएं टटोलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेती है। टेस्ट में हिस्सा लेने वाले लोग लैपटॉप या स्मार्टफोन पर वीडियो क्लिप देखते हैं और इस दौरान कैमरा उनके चेहरे के हाव भाव पकड़ता है। इसके बाद कुछ ही सेकंडों के भीतर सॉफ्टवेयर बता देता है कि हर पल उनका इमोशनल रिएक्शन कैसा था। हाँ, हमारा चेहरा और हमारा मूड हमारी भावनाओं के बारे में काफी कुछ बता देता है। इमोशनल डिकोडिंग के जरिए किसी आदमी की प्रतिक्रिया से हम उदाहरण के तौर पर किसी विज्ञापन के प्रति उसका इरादा जान सकते हैं। इमोशनल डिकोडिंग तकनीक अमेरिका के साइकोलॉजी प्रोफेसर पॉल एकमन की 1970 के दशक में की गई रिसर्च पर आधारित है। एकमन ने माइक्रो एक्सप्रेशंस की समीक्षा की और उन्हें बुनियादी सात मनोभावों में बांटा। इमोशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में भी हो सकता है। इसकी मदद से ऑटिज्म पीड़ित दूसरे लोगों की भावनाएं समझ सकेंगे। इस तकनीक की मदद से रोबोट भी इंसान को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और माहौल को भांपते हुए प्रतिक्रिया दे पाएंगे। इस तरह इंसान और मशीनों के बीच एक असली रिश्ता कायम हो सकेगा। ऑटो इंडस्ट्री में भी इमोशनल डिकोडिंग इस्तेमाल हो सकती है। ये ध्यान भटकने या थकावट होने पर ड्राइवर को सचेत कर सकती है, लेकिन कुछ बुनियादी चिंताएं भी हैं। आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा क्योंकि ये प्राइवेसी में भी झांकेगी। इस तकनीक के जरिए मैं अपनी वो जानकारी दे रहा हूँ जो आम तौर पर मैं नहीं देता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मशीन को ये जानकारी पता चले। इसीलिए आपको बहुत ध्यान देकर ये देखना होगा कि क्या कोई ऐसा एल्गोरिथम है और क्या उसके लिए मेरी अनुमति ली गई। भविष्य के ऐप इमोशनल डिकोडिंग तकनीक का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी कुछ ऐप्स जीपीएस डाटा का इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इससे मदद मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि हमारी और ज्यादा संवेदनशील जानकारी कंपनियों के पास पहुंचेगी। मुझे लगता है कि चर्चा का बड़ा मुद्दा यह है कि यूजर को ज्यादा सतर्क रहना होगा और अपने डाटा पर उसका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इमोशनल डाटा का ही मसला है, ये अन्य तरह के डाटा जैसे लोकेशन डाटा और वेब यूज जैसे डाटा पर भी लागू होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग अपने डाटा पर नियंत्रण को लेकर जागरूक हो रहे हैं। हमारी भावनाओं को ट्रैक और कैद किया जा रहा है, इसीलिए जरूरी है कि इससे जुड़े नियम जरूर बनाए जाएं।